नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियकुमार शर्मा आप सबका हमारे प्रोग्राम हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके प्यार का आभार प्रकट करता हूं। दर्शकों, मैंने आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट प्रारंभ किया था, जिसमें आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और उस पर डे बाई डे हम और अच्छे से रिसर्च करके और जो की जानकारी उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। आज हम साप्ताहिक राशिफल लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली फोरकास्ट 12 अक्टूबर से स्टार्ट करके मंडे से स्टार्ट करके संडे तक यानी कि 18 अक्टूबर तक ये प्रभावकारी रहेगा, ताकि आप अपने समय को पहले से प्लान कर सकें कि आपको करना चाहिए कि आपको नहीं करना चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकती है, कौन सा एक्शन आपके लिए अच्छा रह सकता है, कौन सी चीजें ना करनी आपके लिए बेहतर हो सकती है। कभी कभी बोलना अच्छा होता है, कभी कभी ना बोलना अच्छा होता है। कभी कभी हम स्वयं नहीं बोलते, हमारी आंखें बोल जाती हैं, हमारे अंदाज बोल जाते हैं। कभी कभी कोई फैसले लेना अच्छा होता है, कभी कभी ना लेना अच्छा होता है। तो बस उन्हीं चीजों की जानकारी लेकर के हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। सभी राशियों की चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता दर्शकों, तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कोई भी आपका सुझाव हो जरूर दीजिएगा, रिस्पेक्टेबल सुझाव का हम हमेशा वेलकम करते हैं। और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साप्ताहिक राशिफल एरियंस वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट। समय क्या कहता है? ग्रहों की पोजीशन, भाग्य का जो भाग्येश जब भाग्य स्थान पर पड़ा हो, कर्मेश प्रोफेशन का लॉर्ड अपने ही घर में पड़ा हुआ हो, शुक्र पंचम स्थान पर पड़ा हो, तो प्रभु इष्ट देव की कृपा इस सप्ताह के भीतर आपके ऊपर होने वाली है। काम की कुछ नई प्रपोजल्स, नए रास्ते आपके लिए खुल के सामने आएंगे, जो बड़े ल्यूक्रेटिव दिखाई देंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना भी चाहिए किसी की राय के साथ और समय उचित देख करके। चतुर्थी नौमी चतुर्दशी ना पड़ती हो उस दिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा। भले ही शुरू शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जितना दिखाई देगा उतना अच्छा रिजल्ट शायद उतना ना आए, मगर आएगा तो सही ना, अच्छा तो होगा ही, मगर उतना अच्छा नहीं होगा। मगर कहते हैं ना, शुरू शुरू में हर चीज जो है टाइम तो लेती ही है। तो आज के दिन किए गए प्रयास, इस सप्ताह में दिन किए गए प्रयास आपके लिए लाभप्रद साबित होंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट के भी नए तरीके मिलेंगे, मगर उधार देने से परहेज करना होगा। जल्दी किसी को उधार अगर आपने ले लिया तो आपको लौटा पाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपने किसी को दे दिया तो हो सकता है जल्दी आने में दिक्कत हो। यस, किसी रिश्ते के कारण मन की प्रसन्नता बढ़ सकती है। कई लोग कई नए रिश्तों में बन सकते हैं। रिश्तों की प्रपोजल्स आपको आगे बढ़ने में, दोस्ती मित्रता के रिश्ते आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। यानी कि काम अच्छा रहेगा, पैसे का फ्लो भी बढ़ेगा, अच्छी चीजों पे खर्चे भी होंगे। सिर्फ आपने अल्यूरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी से बच के चलना। कोई भी इजी मनी वाली स्कीम्स हो तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि उस पार्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है, और किसी की गारंटी देने से परहेज करना है और रूखे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह के भीतर आपको क्या करना होगा? जितना संभव हो सके सूर्य कवच गायत्री कवच का पाठ कीजिए। गेहूं और गुड़ का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दीजिए। अब बात करेंगे टॉरियंस वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के।
समय क्या कहता है, अगर शारीरिक कोई परेशानी चली आ रही थी उससे राहत मिलने के योग बढ़ेंगे। अगर कोई दवा दारू काम नहीं कर रहा था तो दवा दारू काम करना शुरू हो जाएगा। प्रभु की कृपा आपके ऊपर बढ़नी शुरू हो जाएगी, प्रभु से नाराजगी भी दूर हो जाएगी। लगेगा कि जो मैंने तो इतना पाठ करने के बाद, इतना पूजा करने के बाद, इतने पैक करने के बाद मेरा कुछ हो नहीं रहा, तो आज इस सप्ताह में कुछ राहत मिलने के योग बनते हैं, कुछ नए रिश्ते शुरू होने के योग बनते हैं, कोई यात्रा भी आपको करने को मिल सकती है। समाज के अंदर आपका प्रभाव का दायरा मजबूत हो सकता है, प्रभावशाली लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं। भूमि से संबंधित लटके हुए कामों में भी आपको लाभ हो सकता है। किसी लग्जूरियस आइटम पे, घर की साजो सजावट पे खर्चा कर सकते हैं। कोई पेंट करने का मन कर जाए, कोई घर में फर्नीचर लाने को मन कर जाए, घर का और कोई सामान लाने को मन कर जाए, पूर्ण जबरदस्त संभावना बनती है। तो समय कुल मिलाकर के अच्छा है, कॉम्पेंसेटरी फेज भी है, बस आपकी हैंडलिंग प्रॉपर होनी बड़ी जरूरत है। आज आपके जो प्रयास होंगे, भले ही वो यात्रा के हों, इन्वेस्टमेंट के हों, या किसी चीज की हैंडलिंग के हों, उनके अंदर प्रभु कृपा कर सकते हैं। तो ध्यान कहां रखना होगा, अपने क्रोध पे क्रोध पूर्वक कोई कार्य ना करें, आवेश पूर्वक कार्य ना करें, द्वेष पूर्वक कार्य ना करें। मां दुर्गा की आराधना, मदर गॉडेस की पूजा मां लक्ष्मी के रूप में बहुत फलदायी साबित होगी। लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ करें, ओम नमो श्री महालक्ष्मी नमः पाठ करें, लक्ष्मी सूतकम का पाठ करें, तो आपके दिन में चार चांद लगेंगे, जिससे आपका जीवन बहुत बेहतरी की तरफ बढ़ने लगेगा। अब बात करेंगे जेमिनियंस मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है, सप्ताह के शुरुआत में ही जो पोजीशन जो है ग्रहों की, वो ये कहती है माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट को बढ़ाएगी। अगर आप किसी मीडिया के प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के किसी प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, या लॉ पुलिस फोर्स के प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का विशेष लाभ ले पाएंगे। काम से रिलेटेड कोई आपको यात्रा भी इस सप्ताह में करने को मिल सकती है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अच्छे लोगों का संग भी आपको अच्छा साबित होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव करेगी। कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेहत की नासाजी आपको बॉदर कर सकती है, ईएनटी ट्रबल्स बॉदर कर सकते हैं। जब भी जरूरत हो या ना हो, गार्गल्स अवश्य करते रहें, और बैक से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करते रहना इस सप्ताह में जरूरी होगा। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकता है, और कोई व्यक्ति आपके लिए मददगार भी सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह के भीतर दो बार किसी भी गरीब जिसकी शादी होने वाली हो, कन्या की शादी होने वाली, उसके लिए उस शादी से संबंधित कोई सामान दे दिया, किसी की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, गरीब है, उसको कोई सुहाग का सामान, जो श्रृंगार का सामान देना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। कैंसेरियंस कर्क राशि वालों के लिए सप्ताहिक राशिफल। समय क्या कहता है, इस सप्ताह पूंजी निवेश के मामलों में आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी। ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, ग्रैब करें या ना करें, इस बात का रखना होगा ध्यान। यस, सेहत के प्रति आपके कमिटमेंट्स बहुत मजबूत होंगी। देखा देखी आप अपने ऊपर बड़े अच्छी चीजें आजमाने लगेंगे, जिसमें आपकी सेहत के अंदर सुधार भी आएगा और आप दूसरों को भी अच्छी राय दे पाएंगे। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का बहुत अच्छा प्रोफेशन लाभ ले पाएंगे। अगर कोई आप कंसल्टेंसी के किसी प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, आपके ऑल ऑफ सडन बड़े अच्छे काम हो सकते हैं। अगर आप बिल्डर हैं, अगर कॉलोनाइजर हैं, अगर कहीं से आपने लोन अप्लाई कर रखा था, तो आपका लोन
पास हो सकता है, या आप अपने कोई काम के लिए लोग बैंक अपने प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना चाहते हैं तो लोन पास हो सकता है। सो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य है वो आपके शेप अप हो सकते हैं। पैसे का फ्लो नो डाउट बढ़ेगा, मगर पैसे का खर्चे उससे भी ज्यादा जा सकते हैं, कुछ अनप्लैंड खर्चे होने की संभावना भी हो सकती है। घर परिवार के लोगों को जितना भी समय देंगे, क्वालिटी टाइम देंगे, उसका फायदा आपको भी होगा, घर के अंदर खुशियां भी बढ़ेंगी। किसी रिश्तेदार के साथ चली आ रही मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है। काम में समाज में पहचान बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहा कोई वाद विवाद से भी आपको राहत मिलने के योग बनते हैं। अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रखिएगा, कुछ चीज रख के भूल सकते हैं, कोई चीज गुम हो सकती है, या कहीं कोई आपके साथ शरारत कर सकता है जिसमें से आपको वो चीज ढूंढने में दिक्कत हो। इस सप्ताह में आपको क्या करना होगा, शिव चालीसा शिव कवच का पाठ करना होगा और महामृत्युंजय मंत्रों का उच्चारण करना होगा। अब बात करेंगे लियोस, सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है, इस सप्ताह के भीतर कुछ कमिटमेंट्स अपने साथ होंगी, कुछ कमिटमेंट्स अपने काम के साथ होंगी, कुछ कमिटमेंट्स इन्वेस्टमेंट के साथ होंगी। जो कमिटमेंट्स आप पूरे प्लान्ड वे में करेंगे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। बस कहीं ना कहीं दो जगह पे आप गलती कर सकते हैं इस सप्ताह के भीतर। एक, अपने पारिवारिक कमिटमेंट में पारिवारिक तवज्जो को सब सप्ताह में बढ़ाने की जरूरत है। आपका परिवार आपकी अटेंशन को मांगता है, यू नो इट, तो उस अटेंशन को थोड़ा सा बढ़ाइएगा, थोड़ा सा अच्छे से उनको सुनिएगा, सुनाइएगा, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कीजिएगा और अनऑर्गेनाइज यात्रा से बचे। प्लैंड वे में यात्रा करेंगे, हैफजर्डली यात्रा नहीं करेंगे तो आपको उसके अंदर परेशानी भी नहीं आएगी और आपको अचीवमेंट की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अपने क्रोध पे कंट्रोल करना होगा, बेमतलब के कुछ शत्रु भी आपके पैदा होंगे, कोई केस चल रहा था खत्म हो जाएगा, कुछ नई टेंशन में आप फंस जाएंगे, कोई डिपार्टमेंटल टेंशन चल रही थी खत्म हो जाएगी, कोई नई डिपार्टमेंट से किसी जगह से कोई नोटिस आ टपकेगा, तो जो अनवांटेड टेंशन इस सप्ताह के अंदर कोई ना कोई आपको बॉदर भी करती रहेंगी। एक बार का खाना कोशिश कीजिएगा, हफ्ते में 7 दिन नहीं हो सके, 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, एक बार का खाना एटलीस्ट सिर ढक के खाइएगा। सरस्वती चालीसा का पाठ कीजिएगा, बाएं हाथ से पक्षियों को बाजरा डालिएगा और अपाहिज व्यक्ति को, कोई भी अपाहिज व्यक्ति हो, हैंडीकैप्ड हो, उसको भोजन से और मेडिसिन से अगर मदद हो सके अति उत्तम। अब बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय कुल मिलाकर के क्या कहता है, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूटिव इस सप्ताह में बड़ी स्ट्रांग होने वाली है। प्रभावशाली लोगों का साथ आपको मिलने वाली है, आपकी वाणी लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाली होगी। अगर आप सेल्स के किसी भी एरिया के साथ जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के किसी भी एरिया के साथ जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी के किसी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का बहुत उचित लाभ अर्जित करने में कामयाब होंगे। इवन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड लोगों के लिए भी समय कोई ना कोई अच्छा लाभ अर्जित करने वाला होगा। मातृपक्ष से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, किसी रिश्तेदार की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती हैं, नई इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुल सकते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट से चली आ रही परेशानी के लिए भी नए रास्ते खुल जाएंगे, यानी कि आपके समाधान मिल जाएंगे। कोई कोर्ट में केस है तो फेवरेबली डिसाइड हो सकता है, वर्क एडिशन हो सकती है, जॉब नहीं थी तो जॉब लग सकती है, जॉब थी जॉब के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। तो समय जो है आपका एनकरेजिंग है और आपकी हिम्मत को बढ़ावा देने वाले हैं आप, क्योंकि कुछ ग्रहों की पोजीशन ऐसी है जो आपके प्रभाव को बढ़ाएगी, प्रभावशाली लोगों को आपके संपर्क में लेके आएगी। नेगेटिव बोलने से परहेज करना है, नेगेटिव बोलने से परहेज करना है और खर्चे लग्जूरियस आइटम पे करने के बड़े जबरदस्त मन करेगा, अच्छी अच्छी चीजों पे खर्चे आप करेंगे भी। प्रभु की कृपा वाला भी समय है, मगर कहीं ना कहीं जितना खर्चा करना चाहिए खर्चे उससे ज्यादा हो सकते हैं। इस सप्ताह में आपको क्या करना होगा, दो बार कम से कम 11 पैकेट्स ऑफ फ्रेश मिल्क लीजिए, प्रभु के चरणों में टच कीजिए, गरीबों में बांट दीजिएगा। इस सप्ताह के भीतर कोशिश कीजिएगा एक बार साबूदाने की खीर बना करके किसी गरीब को खिला दीजिए, पेट भर के खिला दीजिएगा, आनंद आ जाएगा।
अब बात करेंगे लिब्रंस। तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट की। समय क्या कहता है, मान सम्मान यश बढ़ेगा। इस सप्ताह के अंदर आप अपने काम को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगे और आपको इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। रिश्तेदारों का, प्रेमियों का साथ आपको मिलेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा, लोग आपके साथ मिलके चलना पसंद करेंगे, आपको नए नए काम की प्रपोजल्स देंगे, कुछ उलझनों से आपको मुक्ति मिलेगी। विदेशी कामों में थोड़ा सा लग सकता है वक्त, कुछ थोड़े से आप पजेसिव ज्यादा हो सकते हैं, ऑब्सेसिव भी हो सकते हैं। अपने पजेशन पे, ऑब्सेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। यस, कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति इस सप्ताह में आपके ऊपर मेहरबान हो सकता है, कोई अच्छी आपकी मदद कर सकता है, बहन के रूप में कर सकता है, माता के रूप में कर सकता है, पत्नी के रूप में कर सकता है, दोस्त के रूप में कर सकता है, किसी भी रूप में, कोई कुलीग के रूप में कर सकता है। जो काम आपका नहीं होने वाला वो काम भी करने में आपकी विजन की आर्थिक दृष्टि से आपको लाभ देने वाला होगा। आपको बस जब भी कोई चीज इस सप्ताह के भीतर आपकी खराब होगी, आपके क्रोध के कारण, आपके आवेश के कारण। दूसरा, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करके ना चलें, साथ में सेल्फ मेडिकेशन, समय से चल रहा है, बीच के बीच में कोई हेल्थ बॉदर करती है तो सेल्फ मेडिकेशन से बच के चलें। कोशिश कीजिएगा कि अगर रेन वाटर घर में पड़ा हुआ तो बहुत अच्छा है, अन्यथा कोई पवित्र जल लेकर के चांदी के बर्तन में डालकर घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिएगा। उसके इर्द गिर्द 7 फ्लावर्स, 3 किस्मों के, रेड बी, व्हाइट बी एंड येलो बी, पूरा हफ्ता पुराने फूल उठा दिए करें रोज और नए फूल उसके सामने रख दिए, 3 किस्मों के रख दीजिए, कीजिए। जहां जहां नेगेटिविटी होगी दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाएगी और आपके फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस। वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की वीकली फोरकास्ट की। इस सप्ताह मान सम्मान यश बढ़ने वाला है, प्रभावशाली लोगों का साथ आपको मिलने वाला है, धर्म कर्म के कार्य में रुचि बढ़ने वाली है, आपका एनर्जी लेवल रेज होने वाला है, काम की नई प्रपोजल जाने वाली है, प्रभु की कृपा होने वाली है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो उसका फायदा आपको दिखाई देगा। अगर जिस काम में फोकस करके चलेंगे आपको सामने उसके रिजल्ट दिखाई देंगे, मगर वादों विवादों से बच के चलना है। अपने काम के राज क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसी के साथ शेयर करने से परहेज करें। अपने एनर्जी लेवल को बना के रखें, बचा के रखें और किसी की बातों में हस्तक्षेप करने से परहेज करें। समय फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, काम को लेके बहुत अच्छा है, अपने रिश्तों को लेके समय बहुत अच्छा है, बट जिस जगह पे आप ओवर डिपेंडेंट हुए वहां पे आपको सफर करना पड़ सकता है। आप बिल्कुल डिपेंड कीजिएगा, मगर डिपेंड किए बगैर, इट मीन्स आपका स्ट्रॉन्ग फॉलो अप होना बड़ा जरूरी है। अगर कोई काम पार्टनरशिप से रिलेटेड है तो वहां पे आपकी तवज्जो चाहिए। आप ज्यादा काम करते हैं, पार्टनर ज्यादा काम करता है, कभी कभी इस चीज को ज्यादा हम ले बैठते हैं जबकि लेना नहीं चाहिए। कभी कभी किसी की लक बहुत बढ़िया होती है दूसरे के लिए, एक दूसरे जैसे जुड़ते हैं तो काम भी बढ़ना शुरू हो जाता है, मगर हम कभी कभी उसको समझ नहीं पाते। उस चीज को समझना इस सप्ताह में बहुत जरूरी है, कहीं किसी बात को लेकर पार्टनरशिप में कोई तनाव ना आ जाए। दूसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने साइन करना हो ध्यान रखिएगा, गारंटी देने से परहेज करें। यस, अदरवाइज समय आपका अच्छे वाला है, रिश्तों को लेकर भी अच्छे वाला है, धन को लेकर भी अच्छे वाला है, मगर कार्यस्थल पर कुछ लोग आपसे गलती करवाने की चेष्टा कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सप्ताह के भीतर 2 बार गायत्री कवच का, गायत्री चालीसा का पाठ कीजिएगा, सूर्य कवच का पाठ कीजिएगा और साथ में आप कोशिश कीजिएगा कि 2 बार गाय को 750 ग्राम गेहूं को उबाल लें, ठंडा करके रख दें और उसके बाद पानी को गिरा के 150 ग्राम गुड़ का चूरा, जैगरी पाउडर, शक्कर मिला के गाय को खिला दीजिए। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस। धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट के। समय क्या कहता है, लगन में बैठे हुए हैं, गुरु दशम में बैठे हुए हैं सूर्य, मान सम्मान यश के अंदर, शोहरत के अंदर बढ़ोतरी करने वाले हैं, कोई भूमि से संबंधित कार्यों में लाभ देने वाले हैं, किसी रिश्ते को लेकर के आपकी जो
दुविधाएं चल रही थी वो दुविधाएं दूर होने वाली हैं, काम को एक अच्छी दिशा मुकाम मिलने वाले हैं, जो आपकी पुरानी एफर्ट्स भी रिजल्ट देंगी और नई एफर्ट्स भी रिजल्ट देंगी। इस सप्ताह के अंदर कोई नई काम को आप जन्म देने वाले हैं, नए काम शुरू होने के योग बनते हैं। बहुत प्रभावशाली लोग, विशेषज्ञ, वो ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर पॉलिटिशियंस हों, आपके संपर्क में आ सकते हैं या आपको कोई लाभ दे सकते हैं। सब कुछ अच्छा चलते हुए कहीं ना कहीं मन अंदर से फिर भी ना खुश हो सकता, कोई ना कोई चीज आपको परेशानी दे सकती है। कोशिश कीजिएगा कि दो बार आप हरी सब्जियां किसी गरीब को दे दीजिएगा और एक बार हरी सब्जी, हरी दाल बनवा करके, साबुत मूंग की दाल बनवा करके पेट भर के किसी को भोजन करवा दीजिए, किसी गरीब को। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेगर नहीं होना चाहिए, जो है ना लेबरर होना चाहिए, मजदूर होना चाहिए। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के, वीकली फोरकास्ट के। समय क्या कहता है? इरादों की मजबूती, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाने वाला है, काम की नई प्रपोजल्स आने वाले हैं। ऑल ऑफ सडन कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके हाथ में लग सकती है, बहुत ऐसा काम मिल सकता है जिसकी आपको उम्मीद ना हो, अनप्लैंड काम करने को मिल सकता है जो आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक साबित हो। मगर ऐसे ही अपोजिट भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज आपके हाथ में थी जिसको लगता था कि आपको यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, मगर वो सडनली आउट ऑफ द ब्लू वो चीजें हाथ से निकल गई। बहुत अच्छी चीज मिलने के योग जबरदस्त बनते हैं, मगर कहीं ना कहीं कोई चीज हाथ में आई हुई जा भी सकती है। मगर एक बात का ध्यान रखिए, अगर एक चीज चली गई तो दो उससे ज्यादा अच्छे वाले आ जाएंगे। अपनों का साथ भी मिलेगा, अपनों की राय भी मिलेगी, अपनों की हिम्मत भी मिलेगी, अपनों को हिम्मत आप दे भी पाएंगे और अपनों की मदद भी आप करेंगे। कोई लंबी यात्रा भी प्लान करने को आपको मिल सकती है। काम से रिलेटेड, क्योंकि भाग्यश का दशम स्थान में बैठे होना भाग्य में कहीं के वृद्धि कर सकता है, भाग्य को चमका सकता है, आपको उत्तम फैसले लेने में मदद कर सकता है। बस इजी मनी वाली स्कीमों से आपको बहुत दूर रहना होगा। इस सप्ताह में आपको क्या करना होगा? एक बार किसी किन्नर को फल, मिठाई और दक्षिणा दे दीजिएगा। दूसरा, चांदी के बर्तन में पवित्र जल और चांदी का टुकड़ा डाल के घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिएगा। नंबर तीन पे चार रोटियों के अंदर 50 ग्राम गुड़ रख करके 21 बार गायत्री मंत्र बोल के गाय को खिला दीजिएगा। अब बात करेंगे अक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की, वीकली फोरकास्ट की। समय क्या कहता है? वर्क प्लेस पे कमांड बढ़ेगी, भाग्य में वृद्धि होगी, आपके गुरुदेव, आपके इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। नेगेटिव बोलने से परहेज करना होगा, जुबान से निकली हुई बातें सच्ची होती हैं, सच्ची हो जाएंगी पूरे चांसेस बनते हैं। थोड़ा सा शारीरिक व मानसिक संतुलन बना करके रखना होगा। इमोशनल एक्साइटेड होकर के डिसीजन लेने से एंजाइटी पे कंट्रोल करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। समय है अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने वाला, मगर कहीं इमोशनल होकर ग्रैब तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि ये चीजें सोच विचार करके जो फैसले आप लेंगे उसमें नुकसान नहीं होगा। खर्चे ऑल ऑफ सडन आठ टपकेंगे, आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे। नो डाउट पैसे का फ्लो बढ़ने वाला है, ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है जो आपने सोचा भी ना हो, मगर खर्चों के लिए भी तैयार रहिएगा। कुछ चीजें ऐसे खड़े करेंगे आप अपनी सजावट के ऊपर, अपने ऊपर खर्चे करने के लिए कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुड़ी नहीं कि प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी हो, कभी कभी घर की सजावट के ऊपर खर्चे करने को मन कर सकता है। तो जो जितनी प्लानिंग हो उससे ज्यादा खर्चे हो सकते हैं। आज कुछ घर वालों की डिमांड्स भी इस सप्ताह में आपकी बढ़ सकती है। बस नेगेटिव बोलने से परहेज करें, अपने क्रोध पे कंट्रोल करें, और साथ में इस सप्ताह में अगर दो बार आपकी गुड़ वाली कोई मिठाई या कोई भी मिठाई, अदरवाइज भी बांटे, गुड़ वाली बांटेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज कोई भी मिठाई हो तो विदाउट सिल्वर फॉयल, उसके ऊपर बर्क ना लगा हुआ हो, वो भगवान जी को भोग लगा के गरीबों में बांट दीजिएगा। कोई भी मिठाई हो, अगर गुड़ वाली करते हैं तो उसको सौंफ और
ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के प्रोसेस करके ठंडा करके उसके अंदर फिर पीसेस बना के बर्फी की तरह वो गरीबों में बांटेंगे, बड़ा आनंद आएगा। अब बात करेंगे आखिरी राशि पाइसियंस वालों के लिए 27 राशिफल की वीकली फोरकास्ट की। समय क्या कहता हुआ, भाग्येश बैठे हुए हैं लगन में और कर्मेश और लग्नेश बैठे हुए हैं अपने ही घर में। काम बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा, आपकी सिंसेरिटी, आपकी डेडिकेशन, डिवोशन, ऑनेस्टी, हार्डवर्क आपको पे करेगा। लगन में मंगल, एकादश में शनि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कार्य भूमि से संबंधित करवाएंगे जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। इस सप्ताह के अंदर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगने वाली है, कोई काम के सुझाव आपको मिलने वाले हैं जिसमें से आप करके बड़ा अच्छा रिजल्ट अर्जित कर पाएंगे। काम बढ़ेगा, फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, अच्छे लोगों का साथ आपको मिलेगा, प्रेम के रिश्तों में बीच में ऐसे ऐसे थोड़ा सत्ता रहेगा, पारिवारिक रिश्तों में घर परिवार के लोगों का साथ अच्छा मिलता रहेगा, मगर बीच में आपकी पोजिशन थोड़ी थोड़ी ऐसी होती रहेगी क्योंकि आपको ना एक काम की लगन लगी होगी, काम में लगे कोई किसी ने टोक दिया बीच में तो शायद आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो आज थोड़ा सा सुनिए, भले ही करिए मन के कीजिएगा लेकिन सुनिए सबके, जो फैसले लेने लीजिएगा मगर दूसरों का मन खुश कर दीजिएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आप इस समय के दौरान, इस सप्ताह के दौरान थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसने मुझे ये एक बार की बजाय चार बार क्यों सवाल पूछ लिया। जवाब दीजिए, जैसे लोगों को जवाब देते हैं वैसे अपनों को भी जवाब देना सीखिए। इससे जब घर से पॉजिटिविटी लेके जाएंगे और घर में पॉजिटिविटी लेके आएंगे रिजल्ट की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। इस सप्ताह में हनुमान जी की पूजा करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो श्री हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण करिए और गणेश जी की वंदना कीजिए। साथ में जो है गणेश जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में फल फूल चढ़ाइएगा, प्रभु की कृपा होगी। ये समय बहुत ही कल्याणप्रद है आपके लिए, लाभकारी है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी को कितना खूबसूरत ग्रैब करके आर्थिक दृष्टि से संपन्नता पाते हैं, काम से संपन्नता पाते हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट है घर की खुशियों का, वो आपके अपने हाथ में। ये तो था दशको हमारा साप्ताहिक राशिफल जिसकी भीतर हमने चर्चा करी ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन सा उपाय, कौन सी पूजा आपके लिए भाग्य वृद्धि कर सकती है, कौन सी पूजा, कौन सा उपाय आपको परेशानियों से राहत दिला सकता है, कौन सा नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, कौन सा कलर आपको रंगों में रंग सकता है, प्रभु की कृपा हासिल करवाने में मदद कर सकता है। तो दर्शकों, हम ये सप्ताह राशिफल हर सप्ताह लेकर के आए हैं, आते हैं। इस बार 12 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक है और हर रोज का राशिफल, दैनिक राशिफल, आज का राशिफल लेकर के भी हम हर रोज आपके सामने आते हैं और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हमारी आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो, हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों, ढेर सारी मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं, किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता, तो खोलिएगा गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं, भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा, पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है, आप देखना कि पूरे महीने का राहु काल मुझे चाहिए तो राहु काल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं
जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों, यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। अब मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंकमल शर्मा आपसे लूंगा इजाजत, अगले सप्ताह साप्ताहिक राशिफल में आपसे होगी फिर मुलाकात, मगर हर रोज के राशिफल में, दैनिक राशिफल में, आज के राशिफल में हर रोज मुलाकात होती है दर्शकों। अब दीजिएगा इजाजत, नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।